रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल योर सर्च एंड्स हियर Attention buyers and investors, Team Sabharwal invite करता है आपको एक exclusive one day luxury bus tour के लिए जो हो रहा है Saturday March 23rd को. We will highlight some of the fantastic investment opportunities in the GTA with huge incentives and discounts never heard of. आज ही register करिए 647-655-0636 पर या visit करिए teamsabharwal.com. Spaces limited, so act fast. Food will be served. PK Sabharwal will be your guide. Register today at 647-655-0636. महेंद्र भाइयों, रियल एस्टेट का कोई सवाल पी के सबरवाल जी. महेंद्र भाइयों, बेहतरीन नए प्रोजेक्ट के साथ साथ रियल एस्टेट की रियलिटी के बारे में आपको बताते हैं. और महेंद्र भाइयों, रियल एस्टेट ड्रीम्स अगर है आपके कोई तो उसे रियलिटी में बदलते हैं टीम सबरवाल कम्युनिटी की सेवा में. बेंदर भाइयों, इफ यू आर लुकिंग टू सेल योर करंट होम, फाइंड योर ड्रीम होम इन ग्रेटर टोरंटो एरिया और वांट टू एक्सप्लोर द लेटेस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स, पी के सबरवाल जी के साथ एक बार बात और मुलाकात जरूर करें. रियल एस्टेट का कोई भी सवाल पी के सबरवाल स्टूडियोज की लाइन ओपन कर रहे हैं 4165930055. आप कॉल करके सबरवाल जी से सवाल पूछ सकते हैं. 4165930055 है स्टूडियोस के नंबर. ये है रेडियो वॉइस अनामिका और जतीन के संग. आइए सीधे करेंगे सबरवाल जी का स्वैग से स्वागत. सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में. थैंक यू वेरी मच जतीन भाई एंड अनामिका. गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स. जी थैंक यू सो मच. अ वेरी गुड आफ्टरनून पीके साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. अनामिका, समर का आनंद ले रहे हैं? हाँ, आज थोड़ी सी ठंड हुई है. नहीं नहीं नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं तो फिर क्या ठंड हो जाएगी. मैं मानूंगा ही नहीं. चलो ये भी सही है. लेकिन आपकी बात हमारे लिसनर्स बहुत सारी बात मानते हैं. तो जतिन जी, आज क्या बात होने वाली हमारे कॉलर्स के साथ? बस जैसा कि सबरवाल जी ने कहा कि बस वेदर का, समर का आनंद ले रहे हैं. आज लोग आनंद लेना चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो जाए और खुशियां दुगनी हो जाए. लेकिन सबरवाल जी, हमें याद है लास्ट वीक आपने कहा था कि अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो हमें थोड़ा अभी और इंतजार करना पड़ेगा. देखो, मगल्लम ने भी कह दिया, अभी बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर साहब ने भी आज बड़ी अपनी स्पीच में कह दिया. पहली बात तो सबको पता ही था कि अभी इस बार आज जो है वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं होना ना बढ़ना है. और आज उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि उनकी ज्यादा इज कंसर्न मोर फॉर इन्फ्लेशन देन इंटरेस्ट. बड़ा क्लियर कह दिया. साथ में उनकी उन्होंने ये भी बड़ा क्लियर कह दिया. मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और वो सुनते सुनते मैं चार कप चाय के पी गया. बजाय एक समझ भी नहीं आई चाय पे जाए. मेरी वाइफ बना के आगे रखती कि बाद में मुझे कहती बस करो. मैंने कहा मैंने मांगी कब है? कहती खाली रहती थी, मैं आगे और रख देती थी. ध्यान ही नहीं था मेरा, ब्लेम मैं उस पर दे रहा था, वो मेरे को दे रही थी. चलो बाकी हार तो किसने माननी आपको पता ही है, ठीक है ना. तो फिर वो मैं सुन रहा था उनको और उन्होंने कहा कि उनका टारगेट है कि 2025 के एंड तक वो 3% तक लेके आएंगे. और मेरे को उनका टारगेट ठीक होता नजर आ रहा है. एक बात मैंने जरूर नोट की है इनके अंदर कि ये अपना इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, ये कुछ फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे और फेडरल गवर्नमेंट इनके अपोजिट चल रही है, वो इनकी परवाह नहीं कर रहे, विच इज वेरी बैड फॉर आम जनता के लिए बहुत बुरा है. ये उनकी खर्चे कम करना चाहते हैं और फेडरल गवर्नमेंट पैसे बांटती जा रही है. कुछ समझ नहीं आ रही. हालांकि उन्हीं के थ्रू हायर होते हैं ये, पर फिर भी उनकी बात नहीं सुन रहे. इस मामले में आई विल गो विद बैंक ऑफ कनाडा मकलन साहब की तरफ जाऊंगा. उनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि ही इज मोर कंसर्न फॉर द इन्फ्लेशन. कुछ इकोनॉमिस्ट जतिन जी, मेरे को बीच में रोकना होगा, बेशक रोक दीजिएगा. कुछ इकोनॉमिस्ट यानी कि 33% ऑफ द इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं ये जब इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन कम होगी ना कि बढ़ेगी, क्योंकि लोगों का खर्चा, क्योंकि जो इंटरेस्ट है और रेंटल है वो भी तो एक किस्म से इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहा है. तो ये मानना है, पर वो कोर इन्फ्लेशन की बात चल जाती है उसके बाद. लेकिन मेरे को मानना ये है कि इंटरेस्ट रेट शायद अब 50% मेरे चांसेस हैं जून में, नहीं तो अनदर 50% चांसेस हैं जुलाई में शुरू होने के, कम होने के. और इस साल 0.75 की मेरे को उम्मीद है और अगले साल 1.25, यानी कि मुझे लगता है कि 2025 के एंड तक हम 3% तक आ जाएंगे. वंडरफुल. तो अभिनंदन भाई, आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 416 593
0055। चलते हमारे कॉलर की ओर, लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हाँ जी सर पूछिए। हाँ जी, हाँ जी पूछिए, आप ऑन एयर है। हाँ पीके साहब, मेरे को M6 कॉन्डो से लेटर आया, आई मीन ईमेल आया हुआ। आई हैड टू सबमिट माई सीन नंबर, सो इज इट ओके? या उसमें देखो बहुत क्लियर लिखा हुआ है, देखो एज पर रीसेंट डेवलपमेंट इन CRA, देखो अभी तक क्या होता था कि इंटरेस्ट लोग खा जाते थे, बताते नहीं थे, बल्कि इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट है। तो उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया, इंस्ट्रक्शन सारे बिल्डर्स को भेज दिए है कि आप इनसे सिन नंबर मांगेंगे, अगर आपको कोई सिन नंबर नहीं देगा तो आप उनको इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि जब आप सिन नंबर देंगे तो आपको T5 फॉर्म इशू होगा। आई एम नॉट एन अकाउंटेंट, मैं अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ जो भी सीखा है, आपको T5 फॉर्म इशू होगा जिसमें आपकी इनकम दिखाई जाएगी क्लोजिंग में, जिसको कि आप अपने इनकम में डालेंगे और उसके अपनी जो इनकम सबमिट करते हैं, जो भी रिटर्न फाइल करते हैं उसमें उसको शो करेंगे। इट इज नॉट बैड, लेकिन आपकी ये आपके हाथ में, आपको उस ईमेल के अंदर देखो ध्यान से उन्होंने ये लिखा हुआ है एज पर योर कन्वीनियंस, वो तो पढ़िए उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, या तो आप ईमेल से हमको सिन नंबर दे दीजिए या मैसेज डाल दीजिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप फोन करके भी अपना सिन नंबर हमें दे सकते हैं। ठीक है। तो आप, आपका M6 का कितना डिपॉजिट दे चुके हैं आप? मेरे ख्याल से 31 अराउंड 65,000। अच्छा, अभी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बनेगा, अभी और देना होगा अभी तो आपने और भी, तो आपका लगभग मेरे हिसाब से 2,500-3,000 इंटरेस्ट बनेगा, तो उसको क्यों छोड़ते हैं आप, लीजिए। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। दे विल डिपॉजिट इन आवर अकाउंट डायरेक्ट? नो, क्लोजिंग में देखो, आपने मेरे को लगता है शायद ईमेल को ध्यान से नहीं देखा, आपको क्लोजिंग में एडजस्टमेंट कहते हैं इसको, आपको क्रेडिट कर देंगे क्लोजिंग में। ठीक है, जब क्लोजिंग होगी ना भैया, तो क्लोजिंग में जब आपको पेमेंट, मान लो आपकी पेमेंट निकलती है $27,000, उसमें से ये 2,500 कम कर देंगे, आपको बाकी के देने होंगे, क्रेडिट कहते हैं सर। हाँ, बेसिक रहा, नाम क्या आपका? जयेश पटेल। जयेश पटेल, आपके पूछने का फायदा बहुत हो गया बाकी लोगों को भी, ठीक है ना? ठीक है। और वैसे भी आप मेरी हॉटलाइन में है, आप मेरे को कभी भी टेक्स्ट मैसेज डालते हैं, आपने देखा है, यू गेट माई रिप्लाई विद इन मिनट्स, राइट? तो ये मेरी ड्यूटी है आपके लिए, ठीक है ना? थैंक यू जयेश, एंजॉय। थैंक्स। बहुत खूब बहनर भाइयों, पी के सबरवाल जी हमारे साथ, स्टूडियोज के नंबर 416-593-0055, 416-593-0055। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, पी के सबरवाल। सबरवाल जी, कई लोग नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं कि जैसे कि हमारे ये भाई ने पूछा, कई बार डॉक्यूमेंट्स में बिटवीन द लाइंस क्या कहा जाता है वो आम इंसान को पता नहीं चलता, शायद इसीलिए आप जैसे तज्ञ की जरूरत होती है, क्या केयर लेनी चाहिए जब डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, इसके बारे में आपको पूछेंगे, लेकिन उससे पहले चलेंगे एक श्रोता की ओर, लेते हैं ये कॉल। हेलो रीड वॉइस। हेलो रीड वॉइस, प्लीज पुट मी ऑन होल्ड। अच्छा जी, ये फोन पे सुनना चाहते हैं, चलेंगे हम हमारे अगले श्रोता की ओर, लेकिन उससे पहले सबरवाल जी, क्या केयर लेनी चाहिए? देखो मेरे यहाँ पर सिर्फ केयर ये कर लो, पीके से बात कर लो, बस बात खत्म, सारी केयर होगी अपने आप। मैं आपको बताता हूँ हमारा सिस्टम क्या है। हाँ जी, पहली बात, हम कूलिंग पीरियड के बगैर हम किसी हालत में परचेज नहीं करते, पहली बात तो ये हो गई। अगर बिल्डर कहता है हम कूलिंग पीरियड नहीं देते, तो हम उनसे टेम्पलेट मांग लेते हैं कि हमें आप टेम्पलेट दे दो, हम टेम्पलेट पहले पढ़ेंगे उसके बाद साइन करेंगे। अब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे को ने दिया, तो जैसे ही एग्रीमेंट साइन होता है तो मैं अपने क्लाइंट को बोल देता हूँ कि आपने जब साइन किया आप ब्लाइंडली साइन कर दो, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बैकआउट करने के लिए कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। जब वो क्लाइंट साइन कर देता है, उसके बाद बिल्डर उसको एग्जीक्यूट करता है। बिल्डर जब उसको एग्जीक्यूट करता है, तो उसके बाद ऑटोमेटिक मेरे पास कॉपी आ जाती है एग्जीक्यूट के बाद। अब जब मेरा क्लाइंट साइन करने से पहले पूछेगा, तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा उसके एग्रीमेंट के बारे में, क्योंकि मेरे पास कॉपी नहीं है उसकी। तो जब वो साइन करता है, उसके बाद बिल्डर एग्जीक्यूट करता है, मेरे पास कॉपी आ जाती है, तब मैं अपने क्लाइंट को कहता हूं कि आप 1-to-1 मेरे से जूम में बात कर लीजिए, या आ जाइए और मैं आपको एक एक क्लॉज दिखा दूंगा। उसको क्लॉज दिखाने से पहले मैं पूरा उसको स्टडी करता हूं। मैंने बताया हुआ शायद आपको पहले भी कि मैं घर के अंदर रात को 11 बजे से लेकर लगभग सुबह 2 बजे तक बैठता हूं। सारे मैं उस दिन के काम खत्म कर देता हूं, लेकिन मैं उठता बहुत देर से हूं, क्योंकि सोता ही देर से हूं, 7 घंटे तो सोना ही है इंसान को। तो सारी जो पॉइंट्स मैं नोट कर देता हूं, 99% गलतियां नहीं निकलती, क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना आ चुका है। पुराने जमाने में होता था स्पेलिंग गलत, ये गलत, वो गलत, लेकिन फिर भी क्लॉजेस गलत ना हो जाए मैं उसको पढ़ लेता हूं। पढ़ने के बाद फिर वो मेरे लॉयर के पास जाता है। लॉयर की फीस मैं देता हूं, मेरे क्लाइंट से मैंने कभी आज तक नहीं मांगी। अगर मेरे क्लाइंट को 10 दिन के अंदर मेरी तरफ से कोई ईमेल नहीं आई, तो समझ लेना सब कुछ ठीक है। नहीं तो अपने आप कई बार मेरा क्लाइंट मुझे कॉल करता, सर एक नया कागज हो गया साइन करने के लिए, क्या है? तो मैं कहता हूँ ये अमेंडमेंट भेजिए, क्योंकि ये हमने आपके लिए और मांगा था जो बिल्डर डालना भूल गया। अगर आपके पास कागज नहीं आता, तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक है। अगर अमेंडमेंट आ जाती है
कई बार मेरे एक दो क्लाइंट के साथ ऐसा भी हुआ कि कैंसिलेशन भेज दी हमने कि कैंसिल कर दो, हम डील कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरा क्लाइंट कहता है जी मैंने नहीं करनी। मैं कहता हूँ मुझे लिख के दो तो, आपने कैंसिल नहीं करनी। कहता क्यों? मैं कहता तुम्हारे को इसको $35,000 का नुकसान हो रहा है। वाह, क्योंकि बिल्डर ने जो मेरे को कमिटमेंट की थी ये क्लॉज मेरे को समझ नहीं आ रही, ये क्लॉज बिल्डर को चेंज करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी सख्ती से हमारे यहाँ पर ऑफिस में पूरा किया जाता है सारा काम। तो फाइन लाइन्स तो उसकी हम ही है बैठे हुए पी के सबरवाल। इसीलिए पी के सबरवाल जी है रियल एस्टेट का कोई भी सवाल। आइए सीधे चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते हैं ये कॉल। हेलो रीड वॉइस। हाँ जी, मैं आऊँ? हाँ जी, हेलो प्लीज। हाँ जी, सबरवाल साहब कैसे हैं आप? थैंक यू सर, ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत टाइम से सुन रहा हूँ और आप बहुत अच्छा कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल था, अभी हमें जैसे लास्ट ईयर की हमने जो भी इंटरेस्ट पे करा उसकी जो मॉर्गेज हमारी स्टेटमेंट आई, हमारा सिर्फ 48,000 जो था सिर्फ इंटरेस्ट में गया और $83 जो था वो मॉर्गेज में से कम हो गया। $83 बिल्कुल 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 ट्रिगर पॉइंट पे पहुंच गया, इसको कहते हैं ट्रिगर पॉइंट। हाँ, हो सकता है किसी ने पहले ये सवाल पूछा हो आपसे, ये जो सारा पैसा सर यहाँ गवर्नमेंट के पास जा रहा है ये कहाँ जाके लगेगा? क्या स्कूलों में? गवर्नमेंट का तो जा ही नहीं रहा सर, गवर्नमेंट का तो जा ही नहीं रहा। नंबर एक, ये तो सीधा इन लेंडर्स के पास जा रहा है, बैंक सेपरेट एंटिटी है, वो गवर्नमेंट है ही नहीं पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है आपका सर, वो ओवरनाइट रेट पे डिपेंड करता है। आज अगर ओवरनाइट रेट नीचे कम होना शुरू हो जाएगा आपका भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात आप में, इस आपकी बात में थोड़ा सा दम ये भी है कि हमारे यहाँ की बैंकिंग जो है वो बड़ी स्ट्रांग है अगर आप कंपेयर करते हैं अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। दूसरी बात ये सर, आपका ये जो जो ट्रिगर पॉइंट की आपने बात करी, अगर आप इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाता तो फिर आपको देने और पड़ जाते। अभी तो क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद भी आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं बढ़ी, ये बात मानते हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, देखो अब आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं बढ़ी, एक तरफ से फायदा होगा ना, दोनों तरफ से नहीं होगा। ये आपका ट्रिगर पॉइंट आप पे लागू होता है, जिसकी इंस्टॉलमेंट नहीं बढ़ रही धीरे धीरे आपका प्रिंसिपल कम होता जा रहा है, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो जो लोग वेरिएबल में बैठे हुए हैं या जो डिफरेंट बैंक में, जैसे आपका RBC बैंक होगा या CIBC, कौन सा बैंक है आपका? RBC है लेकिन हमारी वेरिएबल है सर। देखो RBC ना, देखो मैं अब मुझे तो नहीं बताया आपने RBC है, लेकिन RBC कर रहा है कि आपसे इंस्टॉलमेंट बढ़ाने की बजाय, किस्त बढ़ाने की बजाय आपकी मॉर्गेज कम करता जा, प्रिंसिपल कम करता जा रहा है, इंटरेस्ट बढ़ाता जा रहा है। दूसरा तरीका ये है, जैसे ही वेरिएबल बढ़ा आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ा दी। तो दोनों में से जो मर्जी चूज करो, आपको इंस्टॉलमेंट नहीं बढ़ानी पड़ी, आपका प्रिंसिपल कम हो गया, मेरे जैसे को इंस्टॉलमेंट बढ़ानी पड़ गई, बात वही की वही। बहुत खूब, चलिए हम चलेंगे हमारे अगले श्रोता की और अनामिका जी चलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास कॉलर्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं, लेट्स कनेक्ट विद अदर कॉलर। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस। हेलो, यस सर आप ऑन एयर हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार जी, एक्सचेंज तो पूछते थे सर, उसका लेटर आया है कि दिसंबर में उसकी क्लोजिंग है, तो मेरा क्वेश्चन ये सर ये और बढ़ाएंगे या आपको लगता है दिसंबर में? ये मुझे बताइए सर कि आपका कौन सा फ्लोर है? आपका फ्लोर जो है 30 फ्लोर के आसपास है सर? 35 है। मेरा अंदाजा ठीक निकला ना सर? जब आपने दिसंबर बोला तो आपका 30 फ्लोर के आसपास था, क्योंकि लोगों की जो ऑक्यूपेंसी है वो सितंबर से शुरू हो रही है और वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो 30 के फ्लोर के आसपास नवंबर आ रहा था, आपने दिसंबर बोला तो 32-33-34 फ्लोर हो गया। तो ये मुझे, मेरी सबरीना से बात हुई थी, इनकी जो एडमिन है, हेड है जो इनकी, सबरीना वेरी नाइस लेडी, वेरी जेंटल एंड वेरी नाइस प्रोफेशनल लेडी, मेरी उससे बात हुई थी, वो कह रही थी कि इट लुक्स लाइक कि ये फाइनल डेट है। आपने आगे देखी सर कितनी सुंदर बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर? देखिए ना कितनी सुंदर बन रही है, आपने देखा वहाँ पर 38 फ्लोर तक, आज से चार दिन पहले 38 फ्लोर तक पहुँच चुके थे वो लोग। तो मेरे हिसाब से मेरा तजर्बा ये कहता है कि दे आर वेल ऑन टाइम, ये नवंबर दिसंबर एक महीना प्लस माइनस की कोई कसम नहीं खाता, क्योंकि कई बार इंस्पेक्शन में जब ऑक्यूपेंसी की इंस्पेक्शन होती है उसमें कुछ कमियां निकल आती हैं, तो उसके लिए बिल्डर को भी नहीं पता होता। बट एक सबसे अच्छा हो गया, आप थोड़े लेट हो गए क्योंकि मार्केट तब तक अच्छी हो जाएगी, और दूसरा जिसे कहते हैं तब तक थोड़ी और डेवलपमेंट हो चुकी होगी। बहुत अच्छी परचेज की आपने, जिसके थ्रू भी की, आपकी परचेज बहुत अच्छी है सर। आपसे लिया और कहाँ से लेंगे? अच्छा, मैंने लिया, क्या नाम है आपका सर? राज जी। अच्छा राज जी, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्डिंग के अंदर, इसके एक्सचेंज के अंदर मैंने 153 यूनिट बेचे हैं, पता है सर, और मेरे को उसके ऊपर बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, बहुत बड़ा अवार्ड मिला। इसकी बात इसी प्रोग्राम में मैं अभी आगे करूंगा, जरा सुनिएगा, अभी दो मिनट के बाद करूंगा इसकी बात।
थैंक यू सर, राज साहब बहुत अच्छी परचेज है, आई एम ऑलवेज देयर, कोई हो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हैं, यू विल गेट रिप्लाई इमीडिएटली। थैंक यू सर। इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर्स जो है वो जुड़ चुके हैं, वेलकम टू रेडियो वॉइस, कौन बात कर रहे हैं? नमस्ते पीके साहब। नमस्ते सर। सर मैं घर एक सेमी डिटेच खरीदना चाहता हूँ, तो आई डोंट वांट गो फॉर फिक्स, मैं वेरिएबल जाना चाहता हूँ। वेरिएबल डाउन पेमेंट मेरे पास 20% है, अगर मैं वेरिएबल जाऊंगा तो मेरा वाइफ को मंथली पेमेंट मॉर्गेज में $1,000 कुछ शॉर्टेज हो रहा है, बट हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट से तो हम सप्लीमेंट कर सकते 8 to 10 months, तो कैन यू प्लीज विद सम एक्सपीरियंस से दैट in 8 to 10 months की इंटरेस्ट जो है 1% तक नीचे आएंगे, अगर आएगा तो फिर आएगा मेरे को पूरी उम्मीद आएगा, लेकिन मैं भाई साहब आपको एक बार बता दूं, आप वेरिएबल में जा रहे हैं तो वेरिएबल में आज आपको वो दे रहे होंगे बेस्ट रेट 7.2 से 1.25 नीचे कर दीजिए, 7.2 से 1.25 नीचे कर दीजिए, ये आपको 6.25 में मिल रहा है, विच इज वेरी हाई बट विच इज गुड, जो उसको स्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं से आप अगर 5 साल की क्लोजिंग मांगे तो आज यही बैंक आपको 4.84 दे रहा है, 4.84 तक दे रहा है 5 साल की क्लोजिंग, विच इज ऑल्सो नॉट बैड। लेकिन अगर आप 3 साल तक जाते हैं तो इनका थोड़ा सा बढ़ जाता है, विच कम्स ये आज बैंक आपको दे रहा है लगभग 5.4 के आसपास। अगर आप 3 ईयर में भी चले जाते हैं तो आपका ये $1,000 की शॉर्टेज जो है वो कम होके $400 की रह जाती है, और अगर आप 5 साल में चले जाते हैं तो ये 0 तो नहीं कहूंगा, एक बार होल्ड करी मैं बता ही देता हूँ आपको, ये $1,000 की शॉर्टेज $200 रह जाती है। अगर आपको खतरा है तो क्यों नहीं आप फिक्स में चले जाते, रात की नींद क्यों खराब करते हो सर? थैंक यू सर। वन मोर लास्ट क्वेश्चन, फॉर 11 लाख की सेमी डिटेच के मेरा मॉर्गेज 7% कितना होगा सर प्लीज? क्या 7% क्या मतलब? 1.1 million सेमी डिटेच के लिए मॉर्गेज मेरा एट द रेट ऑफ 7% हाउ मच विल बी माय रेट? 7% तो है ही नहीं ना, ये रेट ही गलत है ना सर, ये बता रहा हूँ ना, 7% कहाँ है, आज अगर आप वेरिएबल में जाते हैं तो 6.25 है प्राइम माइनस 1.25, 6.15 है, 7 तो है ही नहीं, आपका अप्रूवल है, आपका स्ट्रेस टेस्ट जो है वो है 7.2 के ऊपर, अगर आपका 5.2 है तो ठीक है ना सर। मेरा मॉर्गेज कितना बनेगा सर इसमें? मॉर्गेज आपकी मॉर्गेज पहले तो इसके ये 1,100,000 मॉर्गेज ले रहे हो आप, की ये आपकी परचेज प्राइस है? ये परचेज प्राइस है, परचेज। हाँ, तो इसका 80% निकालोगे ना सर, इसका 80% आपका 8,80,000 बनता है, ठीक है ना? 8,80,000 को किस में जा रहे हैं आप, फिक्स में जा रहे हैं? मैं वेरिएबल जाना चाहता हूँ सर। वेरिएबल में जाना चाहते हैं तो जो कि वेरिएबल महंगा है, आपको महंगा पड़ेगा सर, मैं बता रहा हूँ आपके लिए ठीक नहीं है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ ठीक नहीं है। अब आप ठीक कह रहे हैं कि इसको आप जो है ना, अगर आप वेरिएबल में जा रहे हैं तो आज इसको करीब करीब 6.9 से आप, ये आपका 7 का मैं पॉइंट समझ गया, फिर इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करो, 6.9 से मैं करूंगा इसको मल्टीप्लाई, अगर 6.9 से करते हो तो ये लगभग आपका, तो ये आप जो भी कैलकुलेट करना है वो कर लीजिए, लगभग आपका 6,000 की इंस्टॉलमेंट बनती है। लेकिन मेरे ख्याल से आप अपने नंबर्स, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कैलकुलेटर में हाथ में, लेकिन अगर आप 8 लाख को अगर फिक्स में जाते हैं तो आपको 5.5 से 44 लगभग 4400 बनती है, बड़ा फर्क है दोनों के अंदर, देखो आप 4400 4500 कहाँ 6000। थैंक यू सर, आई थिंक आई विल गो, आपका 1000 की जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है अगर आप फिक्स में चले जाते हो, ठीक है। अच्छा, मैं आप थैंक यू बेटा, थैंक यू। लेकिन मैं अनामिका ये बात बताना चाहूंगा कि मैंने बता तो दिया सब कुछ, मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ, कहीं मेरे को कुछ पकड़ ले कोई लॉयर का, मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ ना, मैं तो सिर्फ छोटा सा रियल्टर हूँ, मैं तो सिर्फ अपने तजुर्बे से इस चीजें बता देता हूँ। सबरवाल जी, अगर आप रियल्टर नहीं होते तो मैथ्स के प्रोफेसर जरूर होते और लाइफ के बारे में भी। जतिन भाई, ये मैथ अपनी माँ से सीखा हूँ, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा है, मैं माँ को माँ की बहुत बार खाता था और मैं मार मिस करता हूँ। मेरी मदर वाज ए टीचर, शी वाज ए मैथमेटिक्स टीचर थी, और उन्होंने इतना मार मार के मुझे पक्का कर दिया कि मैं सोचता हूँ और क्यों नहीं मार पड़ी। नहीं नहीं सही हुआ, उस जमाने में तो मारते भी थे ना माँ बाप, तो बड़ा मजा आता था, और उठ के भाग जाते थे हम लोग, फिर मार खा के फिर उनकी गोदी में बैठ जाते थे जाकर। लेकिन देखिए सवरवाल जी, आज क्या एक थप्पड़ पड़ेगा तो आप पुलिस को बुला लेते हो 911।
लेकिन सबरवाल जी आपने मार सही और फायदा कम्युनिटी को हो गया, कितनी अच्छी। वाह 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 वाह। मेरी मदर ना एक्चुअली शी वाज ए वेरी गुड सिंगर आल्सो, उस जमाने में रेडियो में, रेडियो में गाया भी करती थी उस जमाने में। तो अभी एक हमारे हमारे अपने परिवार के अंदर ही ना, हमारे अपने परिवार के अंदर ही एक मेरी मदर की गाई हुई गजल, मैं अभी बॉम्बे गया था तो हम अपने बहन भाई को मिले तो सबको पुरानी रील निकाली मेरी मदर की, पुरानी रिकॉर्डिंग निकाली। इतना मजा आया वो सुनकर कि मैं अगर कहोगे तो मैं दो लाइनें जरूर सुनाऊंगा बाद में। अरे जरूर 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 सर। जी 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 हाँ जी बेहतर भाई, आइए हम चलेंगे आगे। और सबरवाल जी आप बेहतरीन प्रोजेक्ट्स लेकर भी आ रहे हैं, इसके बारे में भी जरूर बताएं। जी देखिए मैं एक प्रोजेक्ट था जो मैंने बेचा था, आपके यहाँ पर एड आ रही थी बड़ी जबरदस्त, रेगलन रेगलन प्रोजेक्ट कैमरोस्ट का था, जिसको कि मैंने 20% ऑफ द बिल्डिंग मैंने अकेले ने बेची थी। यानी कि अगर वो बिल्डिंग सपोज करो उसके बिल्डिंग के अंदर मान लीजिए 40 फ्लोर थे, अंदाजा दे रहा हूँ, तो 40 फ्लोर में से 8 फ्लोर मैंने अकेले ने बेचे थे और आई वॉज द टॉप प्रोड्यूसर, और जिसके ऊपर मुझे $4 लाख के अवार्ड, मतलब रोलेक्स की डायमंड घड़ियां और पेटेफ्लिक्स वगैरह सब ये कुछ मैंने लिया था उनसे। इस रेगलन प्रोजेक्ट को मेरे को बेचने का इतना प्राउड है कि इस प्रोजेक्ट को इस थर्सडे को लास वेगास में गोल्ड मेडल मिला है फॉर द हाई राइज कम्युनिटी ऑफ द ईयर। यानी कि मेरा अंदाजा कितना अच्छा था इस प्रोजेक्ट के बारे में कि मैंने इसके ऊपर जान लगा दी थी, और ये न्यूज में भी आया है बेस्ट हाई राइज कम्युनिटी ऑफ द ईयर गोल्ड अवार्ड मिला, प्लस 5 अवार्ड इसको और मिले। और इनके जो चेयरमैन है बुजुर्ग मेरे बड़े भाई जैसे डेविड फेल्डमैन, उन्होंने अभी 15 मिलियन गिफ्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को फॉर बेटरमेंट ऑफ रियल स्टेट स्किल्स, फाइनेंस, नेगोशिएशन, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जो कम्प्लीमेंट्री बच्चों को सिखाया जाएगा। आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट, और प्लस मैं चैलेंज करता हूँ उस प्रोजेक्ट के साथ कि मेरे से ज्यादा सस्ता, मेरे से ज्यादा इंसेंटिव कोई नहीं दे सकता कैमरा के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। हालांकि उन्होंने भी VVIP के लिए एक नई स्कीम निकाली है कि 2 साल तक आप मॉर्गेज नहीं देंगे, जिस दिन आप ओनर बनेंगे उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स मॉर्गेज आपकी कैमरोस देगा। ह्यूज 80-90 हजार बन जाते हैं ये साल 2 साल के, वो आपको मॉर्गेज ही नहीं देनी। लेकिन मैं बताऊं मैं इसको भी बीट कर दूंगा अगर आप मेरे को मिलेंगे तो, इस ऑफर को भी मैं बीट कर दूंगा, और आपको बिल्डर भी ये नहीं देगा जो मैं दूंगा, क्योंकि मैं बिकॉज ऑफ द बल्क परचेज, बिकॉज ऑफ द बल्क सेल मैंने जो है बहुत बड़ा इनके साथ नेगोशिएट किया हुआ है। और 23 मार्च को जो मेरी बस जा रही है साइट सीइंग के लिए फॉर द प्रोजेक्ट्स, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या आपको इंसेंटिव्स और क्या डिस्काउंट्स मैं आपको बिल्डरों से लेके दे सकता। क्या बात है। तो बेंद्र भाई पी के सबरवाल आप जानते ही है एवरी वेनसडे 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक रहते हैं हमारे साथ। तो हम पी के सबरवाल जी का नंबर भी जरूर बताना चाहेंगे 6472994757 6472994757 है पी के जी का नंबर। अगर आपको उनकी सेवाएं चाहिए या कुछ बात करना चाहते हैं तो उन्हें टेक्स्ट मैसेज जरूर करें, आपका कांटेक्ट जल्द से जल्द किया जाता है। और बेंद्र भाइयों पैशन है उन्हें, रियल एस्टेट का पैशन है कम्युनिटी से अपना एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज शेयर करने का। सबरवाल जी आखिर में कुछ कहना चाहते तो प्लीज। मैं वो मेरी मदर की 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। अरे प्लीज प्लीज हम इंतजार करते हैं। वो मदर की गजल थी, खैर मेरी तो आवाज बिल्कुल भी नहीं है, मेरी तो आवाज कौवे जैसी है, लेकिन मैं गजल जरूर बता देता हूँ आपको जो थी, जो कि हम सब बहन भाइयों ने गाई और वो रिकॉर्डिंग हमारे सामने घूमी बड़ी पुरानी मेरी मदर की। मैं लाइन बोल के सुना देता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा इसने मेरे को इन्फ्लुएंस किया जिंदगी के अंदर कि अहम और अहंकार इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। जब अहंकार और अहम हो जाएगा तो उसका हाल बकरे जैसा होगा, बकरा मैना करता है ना जी, मैं तो उनकी गजल ये थी कि मैना ने मैं करी मोल भयो 10-20, मैना ने मैं करी मोल भयो 10-20, बकरे ने मैं करी आन कटायो सीस, फिर न जब मैं करी मोल लिया जल्लाद ने, फेर दी गर्दन पर छुरी जल कर वही सयाद ने, और गारा जो भी था जारा जार में, कुछ कट गया कुछ बिक गया कुछ टिक गया बाजार में, सब कुछ बिक गया बकरे का उसके अहम के चक्कर में, रह गई आते फकत तू को बुलाने के लिए, ले गया नंदी दावा धुनकी बनाने के लिए, जुबान से सोटे की जिस दम तांते बजने लगी, तब कहीं मैं के बदले तू ही तू की आवाजें आने लगी। ये उनकी एक वन ऑफ द गजल थी कि देखो बकरे का हाल इतना बुरा होता गया जब तक उसकी इंटेस्टाइन्स में से रूई धन्ने वाले ने
धुनकी बनाई तब जाके तू की आवाज आई तब जाके उसको आराम मिला, अदरवाइज सत्यानाश बुरा हाल था बकरे का भी। तो मैं अहंकार, इस किस्म की मेरी मदर जो है ये गजल या कुछ गाया करती थी एंड वी वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड। क्या बात है सबरवाल जी, हम आपकी मातोश्री और दुनिया भर की हर माता को प्रणाम करते हैं क्योंकि हम में जो संस्कार का सिंचन होता है वो माँ ही कर सकती है। इसलिए तो कहा है ना कि माता जीवन से भरी, माता वृक्ष समान, माता जीवन का पालन करे, माता ही है भगवान। भगवान का जतिन भाई आप बहुत, आपके में हुनर है इन चार लाइनों का, बहुत अच्छा हुनर है। मैं आपके साथ बैठता भी था ना कई बार, तो आप उसी वक्त इम्प्रॉम्प्टू लाके आगे रख देते थे तो बड़ा ही मजा आता था आपके साथ। जी सबरवाल जी, जैसे कि हर कोई कहता है कि रियल एस्टेट और रियल लाइफ की बातें सबरवाल जी से सुने तो कोई दिन निराशा नहीं होती। सबरवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच जी, अगले वेडनेसडे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, और अनामिका आप भी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू थैंक यू।